फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के स्टार विकेट कीपर, बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह रुड़की के पास एक्सीडेंट हो गया है। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पंत कार से अपने घर जा रहे थे और हादसे के वक्त अकेले थे। रुड़की के नॉर्थन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के पास उनकी मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई और पलट गई। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। उत्तराखंड के डीजी अशोक कुमार ने बताया, पंत को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ गई थी। इसके बाद वह कार पर से नियंत्रण खो बैठे थे। हादसा के वक्त पंत कार में अकेले थे। पंत को सिर, पीठ और पैर में चोट आई है। उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी तेज स्पीड से पहले डिवाइडर के किनारे लगी और इसके बाद लोहे की मजबूत बैरिकेडिंग से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी रॉन्ग साइड में जा पहुंची। गाड़ी सड़क पर घसीटते हुए करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर थमी। इसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने से पहले खुद गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई और सूझबूझ दिखाते हुए वो बाहर निकल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुंच गए थे वहां मेक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई उसमें पता चला है कि जो इनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वह एक ब्लैक स्पॉट है, यानी कि उस जगह पर एक्सीडेंट अक्सर होता रहता है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। दूसरे टेस्ट में वह शतक से चूक गए थे, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने भारत को मैच में आगे कर दिया था और इसी वजह से दूसरी पारी में अहम बल्लेबाजों के फेल होने के बावजूद टीम इंडिया यह मैच जीत गई थी। हालांकि वनडे और टी20 में खराब प्रदर्शन के चलते हाल ही में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टीम से बाहर कर दिया गया था। और आपको बता दें कि एक्सीडेंट होने से 23 घंटे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला था, इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी, जिसमें वो पक्षियों के साथ बहुत ही खुशी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो अच्छा समय बिता रहे थे। ऋषभ पंत को अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनकी माँ भी साथ है। पंत को सिर और घुटने में गंभीर चोटें आई हैं। उनका MRI भी कराया गया है। इसके साथ साथ पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में चोटें आई है। बताया जा रहा है कि उनका प्लास्टिक सर्जरी भी किया जाएगा। सक्षम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील नागर ने बताया कि ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर आया है और माथे पर भी चोट है। माथे पर कुछ टांके लगाए गए हैं और अभी हालत ठीक है। ये देखिए उनकी एक्सरे की कुछ रिपोर्टें, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी उनका CCTV फुटेज कि एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। बताया जा रहा है कि पंत की गाड़ी तेज स्पीड से डिवाइडर के किनारे लगी थी। लोहे की मजबूत रेलिंग से टकराई और रेलिंग तोड़कर दूसरी तरफ जा पहुंची। तेज रफ्तार में होने की वजह से कार लगभग 200 मीटर तक घिसटने के बाद रुकी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे राहगीरों ने किसी तरह निकाला। इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें नारसन से रुड़की की ओर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सक्षम हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। ऋषभ पंत जिस मर्सिडीज कार से अपने घर लौट रहे थे उसका नंबर DL10CN1717 है। हादसे के बाद पंत की कार से पैसे भी गिर गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उठा लिया। हादसे के समय पंत कार में अकेले थे और उनकी गाड़ी में लगभग 3 से 4 लाख रुपये थे। सुबह उन्हें झपकी लगी और हादसे का शिकार हो गए। तो जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं सावधानी बरतें